ये खून नाड़ियों में चले ना कि ये नालियों में बहे। साथ समझी प्यार से कहना धन्यवाद। जिनके त्याग ने फैलाया मानवता में उजियारा, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन को शत शत नमन हमारा। जी हाँ, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के त्याग बलिदान की कहानी कहता, उनकी शिक्षाओं को दोहराता, अप्रैल का महीना अपने साथ लाता है बहुत सारी पुरानी यादों का दौर और बलिदानी भक्तों के जीवन की प्रेरणाएं। तो उन्हीं बलिदानी भक्तों और बाबा गुरबचन सिंह जी को नमन करते हुए आइए न्यूज़ रिवाइंड के सफ़र की शुरुआत करते हैं। मार्च महीने के समाचारों के साथ अप्रैल महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ मुक्ता। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। दिव्यवाणी समागम, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, कभी कभी किसी युग में धरती पर ऐसे मसीहा का जन्म होता है जो मानव कल्याण की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है और अपने अस्तित्व को सूर्य की भांति जलाकर मानव के अंधेरे मन में रोशनी भरता है और फिर वो युग, वो सदियां धन्य हो जाती हैं और वो मसीहा कहलाता है युग पुरुष। धन्य है निरंकारी मिशन जिसे बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और बाबा हरदेव सिंह जी जैसी महान विभूतियों की रहनुमाई मिली और उनके अनमोल प्रवचन आज भी मानव के मन में उतरकर उन्हें राह दिखा रहे हैं। न्यूज़ रिवाइंड की शुरुआत में आइए सबसे पहले बाबा हरदेव सिंह जी के दिव्य वचनों को सुनते हैं। जो बीड़ा बाबा बूटा सिंह जी ने उठाया और बाबा अवतार सिंह जी ने उसको और आगे बढ़ाया और बाबा गुरबचन सिंह जी ने जो उसको गति दी, उसका आज हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो जो भी देन किसी रूप में भी उन्होंने देनी थी वो बखूबी उस देन को निभाया कि किस तरह से गुरु के आशय को उन्होंने सत सत करके माना और उसी पे फूल चढ़ाए और इस तरह से सेवादार बनकर जिधर इशारा आया उसी तरफ ही अपने आप को मोड़ लिया। और जब इस रूप में जिम्मेदारी ये सौंपी गई मानव कल्याण के लिए तो वो भी आपने देखा कि किस तरह से 17 बरस दिन रात एक ही धुन और उसी में ही रहकर उन्होंने केवल देश में ही नहीं, देश के अनेकों हिस्सों में ही नहीं बल्कि देश की सरहद के बाहर भी कदम रखा। तो उन मुल्कों में भी जाकर वो नींव रखी और उन मुल्कों में पहुंचने के लिए भी किस तरह से इतने कठिनाइयों में से गुजरते हुए इस तरह से रोड जर्नी करनी और इतना लंबा और किस तरह से टेंटों में कभी गाड़ी में सोकर उस सारे सीमित साधन मिशन के पास और उन सीमित साधनों के कारण अपने कदमों को नहीं रोका और उन सीमित साधनों में रहकर भी सच्चाई को आगे बढ़ाना, मानवता को स्थापित करना, उसके लिए हमेशा उनमें वो एक ताकत थी और वो हौसले थे और उसी के अंतर्गत वो आगे ही बढ़ते चले गए। इस प्रकार से जो जो भी उन्होंने महसूस किया कि इस तरह से इस सच्चाई की आवाज़ को संसार के हर कोने में पहुंचाना है, उस तरफ कदम बढ़ाए जहां पर नशे से बचाव, समाज में हमारा विचरण, किस तरह से शादी विवाह में अपने आप को ढालना, तो कोई भी पहलू ऐसा वो नहीं छोड़ा उस मसूरी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश, जहाँ पर संगतों को, प्रचारकों को दिशा निर्देश, जहाँ पर सेवा दल के अधिकारी और नौजवानों को दिशा निर्देश
और इस प्रकार से वही एक आधार बना जिसके ऊपर आज भी हमारा वो प्रबंध के ढांचा कायम है। और इस तरह से जो प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में भी दिन रात उसी तरह उन्होंने इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए यत्न और प्रयास किए, और इसी तरह से उनका जो महत्वपूर्ण देन जहां पर जीवन जीते हुए उन्होंने दी, और अंततः अपने इस जिस्म इस शरीर को भी इसी सच्चाई और मानवता के लिए, जैसे पहले युगों में पहले सदियों में अनेकों गुरु पीर पैगंबरों ने इस तरह से समर्पित कर दिया, तो उन्होंने भी अपना ये जिस्म इसी मानवता और इंसानियत के लेखे लगा दिया। और इसी प्रकार से अनेकों अनेकों महापुरुष इसी सच्चाई के ऊपर कायम रहते हुए उन्होंने इस तरह से महान ये बलिदान वो दे डाले। हर युग में सद्गुरु ने मानवता के कल्याण की खातिर जहां कल्याण यात्राएं की, वहीं समय समय पर अनेक संत समागमों के द्वारा भी सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाया। बाबा गुरबचन सिंह जी भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संत समागमों में भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते रहे, और ये मुहिम आज भी सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी की रहनुमाई में आगे से आगे बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं मार्च के महीने में आयोजित हुए निरंकारी संत समागमों का ब्यौरा। सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज द्वारा की जाने वाली कल्याण यात्राओं और समागमों की लड़ी मार्च के महीने में भी चलती रही। इसी के तहत 10 और 11 मार्च को उत्तर प्रदेश का 43वां दो दिवसीय निरंकारी संत समागम सद्गुरु माता जी की हुजूरी में वाराणसी के कफ सेठी बाजार के मैदान में आयोजित किया गया। इस समागम में वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से संगतों ने भाग लिया। भारी संख्या में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ था। सिर पर सामान उठाए बच्चे युवा बुजुर्ग समागम की ओर बढ़े चले आ रहे थे। समागम ग्राउंड में भक्तों के ठहरने आदि की समुचित व्यवस्था की गई थी। लंगर और कैंटीन में भक्तों के भोजन की व्यवस्था थी। निरंकारी प्रदर्शनी में मिशन के अनेक कार्यों और इतिहास को कलात्मक ढंग से दर्शाया गया था। इसके अलावा SNCF की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र थी। समागम के पहले दिन की शुरुआत सद्गुरु के आगमन से हुई। मुख्य द्वार से पंडाल तक आए हुए भक्त जन सद्गुरु माता जी की राहों में कतारबद्ध खड़े थे। फूलों से सजी पालकी में स्नेहमयी सद्गुरु माता जी का जब आगमन हुआ तो भक्त जनों के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए और निगाहें सद्गुरु के दर्शन पाकर अभिभूत हो उठी। धीरे धीरे पालकी मुख्य पंडाल की ओर बढ़ी। पालकी के पंडाल में पहुंचते ही चारों ओर स्वागत गान के शब्द गुंजायमान हो उठे। सद्गुरु माता जी आसन पर विराजमान हुए तो कई कई कतारों में भक्त जन आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ने लगे। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, कुछ ऐसे ही भाव सत्संग कार्यक्रम में मंच से अनेक भाषाओं में गीतों व्याख्यानों और कविताओं के रूप में दिए जा रहे थे। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, सात संगत जी, यूपी के समागम पे यहाँ पे हम महापुरुषों के अनमोल वचनों का आनंद ले रहे हैं। संतों महापुरुषों ने हमेशा यही समझाया कि हम सब इस एक प्रभु परमात्मा की संतान हैं। सात संगत जी, निरंकार कृपा करे इस मिशन की शिक्षाओं को हम सब अपने जीवन में उतार के आगे से आगे पढ़ते जाएं और दुनिया में बाबा जी के शिक्षाओं को, मिशन की शिक्षाओं को हर जगह अपने बोलों के द्वारा तो ठीक है, पर अपने जीवन के द्वारा भी आगे से आगे बढ़ाते जाएं। समागम के दूसरे दिन की शुरुआत सेवा दल रैली से हुई, जहां सेवा दल के भाई बहनों ने प्रार्थना गीत,
पीटी परेड मार्च पास्ट करते हुए सदगुरु माता जी को सलामी दी तथा अनेक रोचक खेलों करतबों आदि अनेक प्रस्तुतियों के माध्यम से जहां शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया वहीं सत्य और मानवीयता का संदेश दिया। इस अवसर पर सदगुरु माता जी ने सेवा दल को आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्रदान किया। सेवा दल रैली के पश्चात दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी अनेक रूपों व भाषाओं में सत्य के संदेश दिए गए जिसे उपस्थित जनसमूह ने श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया। अंत में सदगुरु माता जी ने अपने आशीष वचनों में फरमाया, प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकारी जी। साध संगत जी, आज समागम के दूसरे दिन सुबह सेवा दल की रैली के रूप में और अभी आपने महापुरुषों को सुना, भाषा या जरिया कोई भी रहा हो, मकसद सिर्फ यही था कि एक गुरसिक्खी वाला जीवन कैसे जिया जा सकता है। साध संगत जी, भक्ति तो वैसे भी इस शरीर से ऊपर उठ के ही होने वाली होती है। अगर किसी ने कह दिया या शरीर को कोई परेशानी आ गई, वो तो ये शरीर है, हम कभी किसी बात का अपनी भक्ति पे कोई असर न लाने दें। साथ सुना जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दो दिवसीय समागम के औपचारिक रूप से संपन्न होने के उपरांत इसी दिन शाम को गुरु वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्त कलाकारों ने अपने भाव प्रकट कर अपने सद्गुरु की वंदना की। सद्गुरु माता जी के आशीर्वचनों के साथ ही संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश का दो दिवसीय प्रादेशिक संत समागम। उत्तर प्रदेश समागम के पश्चात 18 मार्च को सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज अपने काफिले सहित पश्चिम बंगाल के नगर दार्जिलिंग पहुंचे। यहां पर सद्गुरु माता जी ने नव निर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया। बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से अपने सद्गुरु का अभिनंदन किया। भवन पर उपस्थित भक्तों को सद्गुरु के चरणों में नमस्कार तथा आशीर्वाद प्राप्त हुए। 19 मार्च को सद्गुरु माता जी ने गंगटोक के भक्तों पर अपनी पावन कृपा बरसाई। इसी प्रकार सद्गुरु माता जी सिलीगुड़ी की ओर बढ़े। सिलीगुड़ी में 24 तारीख को पश्चिम बंगाल का प्रादेशिक संत समागम कावाखाली नौका घाट मैदान में आयोजित किया गया। इस समागम में देश के अनेक शहरों के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी भक्तों का आगमन हुआ। समागम स्थल पर भक्तों की सुविधा हेतु रिहायशी पंडाल बनाने के साथ साथ अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। समागम की शुरुआत वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों से हुई जो सद्गुरु की प्रतीक्षा के गीत गा रही थी। फूलों से सजी पालकी में सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सद्गुरु माता जी आसन पर विराजमान हुए तो सत्संग कार्यक्रम में रूहानियत की लहर आ गई। आए हुए भक्तों ने अनेक भाषाओं के माध्यम से मिशन का संदेश सद्गुरु और साध संगत के समक्ष प्रकट किए। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने समस्त मानव परिवार को संबोधित करते हुए फरमाया, प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, नॉर्थ ईस्ट के समागम पे सिलीगुड़ी में आप यहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं, एक भक्ति भरा वातावरण बना हुआ है और ऐसा वातावरण सिर्फ तब बन पाता है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। साध संगत जी, नॉलेज इज नॉट जस्ट नोइंग बट लिविंग। ये जो हमें ज्ञान मिला है ये सिर्फ एक जानकारी की तरह नहीं हमने लेना, बट इस मिशन की शिक्षाओं पे जो बाबा जी ने 36 वर्ष दिन रात एक करके हमको सबक सिखाया, उन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ना है। समागम के दूसरे दिन सेवा दल रैली का आयोजन किया गया था। रैली का शुभारंभ सद्गुरु माता जी ने ध्वजारोहण के द्वारा किया। तत्पश्चात सेवा दल के भाई बहनों ने पीटी परेड, मार्च पास्ट आदि के माध्यम से सद्गुरु को सलामी दी। इसके अलावा सेवा दल ने विभिन्न खेलों और प्रस्तुतियों के माध्यम से सेवा की महत्ता का संदेश दिया तथा सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सेवा दल रैली के संपन्न होने के पश्चात ही दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी भक्तों ने अपने भक्ति भरे भाव गीत व्याख्यान सद्गुरु और साध संगत के समक्ष प्रकट किए। ओम
बिने गोती नाय ओ मोनाय ओ मोनाय ए हम थारते। अंत में सद्गुरु माता जी के आशीर्वचन कुछ इस प्रकार से आए। सात संगत जी हरदेव वाणी में ने बाबा जी ने फरमाया, बोली मधुर नहीं है तो चुप्पी रहना अच्छा है, कटु वचन कहने से कुछ ना कहना अच्छा है, पर आप महापुरुषों के मधुर प्यार वाले वचन तो परेशान दिलों पे, तड़पते दिलों पे, दुखी दिलों पे मलहम और दवा का काम करते हैं। नंकार से यही अरदास है, नंकार कृपा करे सबके मीठे वचन दिलों को आपस में जोड़ने वाले बने, कभी भी कोई कड़वा वचन बोल के किसी का दिल दुखाने वाला इस मिशन का कोई बच्चा कभी भी ना बने। इसी दिन शाम को गुरु वंदना कार्यक्रम का आयोजन था। इस कार्यक्रम में भक्त कलाकारों ने गीत संगीत तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से सद्गुरु माता जी के समक्ष अपने हृदय के भाव प्रकट किए और सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसी के साथ संपन्न हुआ पश्चिम बंगाल का प्रादेशिक निरंकारी संत समागम। बाबा गुरबचन सिंह जी राज माता जी के साथ ज्ञान की मशाल लेकर देश की सरहदों को पार कर दूर देशों की ओर बढ़ चले और आज सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की छत्र छाया में दुनिया के कोने कोने में मिशन की शाखाएं फल और फूल रही हैं, महक रही हैं। नाउ हियर इज अ रिपोर्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मिशन इन द मंथ ऑफ मार्च 2018 इन द सेगमेंट मिशन ओवरसीज। S&M Canada branch was pleased to donate over 20,000 pounds of food on the occasion of Guru Puja Divas this year. Volunteers and devotees in all the branches of Canada participated in this food drive, which carried forward the teachings of Baba Hardev Singh Ji Maharaj. According to the Canadian Food Bank, around 86,000 people benefit from this food bank every month. The UAE chapter of S&M organized its second blood donation camp of the year 2018 on 23rd of March 2018 in the city of Dubai, where many volunteers came forward to contribute blood for the needy. और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Children are not things to be molded, but people to be unfolded. With this vision of Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, we present a show for the kids by the kids. A platform where they'll re-explore, reinvent and learn with human values to be the change makers for a better world ahead. So, aaiye, har mahine is masti ki jhalki se seekhe aur sikhaye. Kids Divine. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा गुरबचन सिंह जी का कहना था कि मुझे काली, पीली या नीली झंडियों से कभी दुख महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब भी किसी मनुष्य का खून बहा तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। मनुष्य का खून किसी भी हालत में नहीं बहना चाहिए। दोस्तों, बाबा गुरबचन सिंह जी के परोपकारों को आगे बढ़ाते हुए आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा अनेक प्रकार के लोक कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। आइए रुक करते हैं SNCF डायरी की ओर और देखते हैं कि मार्च के महीने में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने कौन कौन सी सामाजिक गतिविधियों में अपना सहयोग दिया। SNCF द्वारा मार्च के महीने में की गई गतिविधियों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार रहा। 4 मार्च को मुंबई में SNCF द्वारा एक नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसका लाभ अनेक नागरिकों को प्राप्त हुआ। रक्तदान शिविरों की श्रृंखला इस माह भी चलती रही, जिसके तहत जिन स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए उनमें लालडू, बरनाला, जबलपुर व चंडीगढ़ प्रमुख स्थान रहे।
SNCF द्वारा हैदराबाद में एक पल्स पोलियो जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने लाभ उठाया। वाराणसी में आयोजित उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक समागम में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा 10 और 11 मार्च को एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई, जहां फाउंडेशन की गतिविधियों को रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया। मैं शिवानी वाराणसी से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे उत्तर प्रदेश का प्रांतीय समागम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमने एग्जीबिशन लगाए हैं डिवोटीज के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। इसके बारे में हमने बताया कि चैरिटेबल फाउंडेशन जो है वो निरंकारी मिशन का ही एक पार्ट है। इसमें हम बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं मानवता के उत्थान के लिए, पूरी ह्यूमैनिटीज के लिए। 21 मार्च को मंडोली जेल में बंदी भाइयों की भी एक आई चेकअप कैंप के माध्यम से सेवा की गई। संत निरंकारी पब्लिक स्कूल तिलक नगर में 23 से 25 मार्च तक एक स्वच्छता अभियान के जरिए जहां एक ओर आसपास के क्षेत्रों की सफाई की गई, वहीं स्वच्छता को एक आदत बनाने के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। 23 से 26 मार्च तक शाहबाद में आयोजित एक आध्यात्मिक मेले में SNCF द्वारा एक प्याऊ लगाकर जन जन की जल पिलाकर सेवा की गई। विनम्रता से ही इस संसार को जीता जा सकता है, अभिमान से नहीं। ये वक्तव्य है बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का, और आज निरंकारी मिशन की इन्हीं विनम्र विचारधाराओं से निरंकारी भक्त ही नहीं, अनेक गणमान्य सज्जन भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही एक खास सज्जन से आपकी हम मुलाकात करवाते हैं हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है एक खास मुलाकात। एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर इरफान साबिर। वी आर हियर इन अल्बर्टा कनाडा। ही इज एन MLA हियर, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज। मिस्टर साबिर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू न्यूज़ डिवाइन। You're here at such a divine event with the Sant Nirankari Mission, and you're familiar with the efforts of Sant Nirankari Mission. Talk to us a little bit about what your views are, that what you have seen the mission do when it comes to community events and community social services. I think it's always a pleasure to be at gathering like that, and not only that, these gatherings provide us an opportunity for spiritual learning, healing, but they are also opportunities where we develop our connections with each other, our social bonds. And certainly those things stay with us when we go out in community. And Alberta as a province is made up of people of many different culture, faith, background, and talents. And as and there was a saying of Nirankari Babaji, that when a garden grows, like rose doesn't tell tulip that you can't exist. So in Alberta, these different cultural communities, faith background communities, are just like those different flowers that make up this province. And this diversity is our strength. And I have been coming to this place ever since I've been elected, and I have seen firsthand the community service they are doing here. For instance, last time when I was here, they were doing a blood drive. And we do know how important it is, blood for those in need of surgical processes, need of medical care, and certainly those kind of initiatives do strengthen our communities. And last, on the anniversary of Hardevji Maharaj, I was informed that they got together to clean many different hospitals, thousands of hospitals, in just 4 hours across India. So those are the things that make our communities stronger, whether we are here in Alberta or abroad. And those are the things that help us connect with each other, help us care for each other, help us understand each other, and grow up as a society. So I thank Nirankari Mission for everything they do to make life better for not only for Albertans, but across the world. Irfanji, thank you so much for your views. You know, jo aapne abhi dekha ki, as you mentioned, Babaji used to say that a rose doesn't tell a tulip not to exist. You saw this in Alberta. And if you look at the Sant Nirankari Mission,
these initiatives are all over the world, globally. How do you vision that harmony between the Sant Nirankari Mission and the global world when it comes to talking about oneness and peace? Which bhaichare ki hum baat karte hain. Talk about your views. I think mere views bhi bilkul yahi hain ki aapki jo existence hai wo is pure globe ke andar matlab ek peace hai. Aapne coexist karna hai baki logon ke sath, baki humanity communities ke sath. Or only way you can do it, that you understand, accept and respect others' views, and you're also playing your role in the society as a whole for the betterment of the community, regardless of anyone's faith, culture or background. I'm certain that the hospital Nirankari Mission Clean, there will be people going from all faith backgrounds. That was not for just people of that faith. It was for everyone. It was for humanity. So that's how I guess we can succeed in building a society that cares for everyone. So thank you very much. Mr. Irfan Sabir, thank you so much for talking to News Divine team. With Camera Saint Dave Lasharji, this is Preet Sahi for Ek Khaas Mulaqat, News Divine. उम्मीद करते हैं कि आपको ये ख़ास मुलाकात पसंद आई होगी और आए भी क्यों ना. ये मिशन प्रेम, विनम्रता और त्याग की बुनियाद पर जो खड़ा है. बाबा गुरबचन सिंह जी का कहना था कि जो ताकत हम इधर उधर की फिजूल बातों में लगाकर व्यर्थ खो देते हैं उसे दुनिया की भलाई में लगाना चाहिए. और आज सद्गुरु माता जी की कृपा से निरंकारी मिशन अपनी हर गतिविधि के माध्यम से दुनिया की भलाई कर रहा है. तो अब समय है अन्य गतिविधियों से रूबरू होने का. आइए देखते हैं ये रिपोर्ट. संत निरंकारी मिशन की अन्य गतिविधियों का सिलसिला मार्च के महीने में भी जारी रहा. 2 मार्च को संत निरंकारी स्कूल के प्रांगण में सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की छत्र छाया में होली के अवसर पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में भक्तों ने अपने भाव अनेक विधाओं के माध्यम से सतगुरु और साध संगत के समक्ष पेश किए. इस अवसर पर सतगुरु माता जी ने उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया. होली के रंग जो हैं सो हैं, पर आजकल तो इंसान का भी पता नहीं चलता, न जाने कितने रंग बदल लेता है अपने फायदे और दूसरे के नुकसान के लिए, न जाने कब कौन सा रंग ले आए. इसीलिए संत महापुरुष हमेशा यही अरदास करते हैं कि हमें इस बेरंगे के नाम से, इस बेरंगे के रंग के साथ जोड़ो, क्योंकि अगर ये रंग चढ़ेगा तो दुनिया का कोई रंग असर नहीं करेगा. तो निरंकार कृपा करे अंत श्वासों तक इस बेरंगे के साथ जुड़ के सेवा सिमरन सत्संग करते हुए ये जीवन बीते. मार्च के महीने में 29 तारीख को सदगुरु माता जी के हुजूरी में क्षेत्रीय संचालकों की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें संत निरंकारी मंडल के केंद्रीय पदाधिकारियों और देश के लगभग सभी शाखाओं के क्षेत्रीय संचालकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया. इस मीटिंग में सदगुरु माता जी ने सभी को मिशन की सेवाओं से संबंधित दिशा निर्देश दिए. सत्संग जी, आप सब सेवा दल के जवान बहन भाई हमेशा ही सेवा के लिए तैयार रहते हैं. मिशन में ही नहीं बल्कि बाहर भी अथॉरिटीज़ की तरफ से कभी कोई मैसेज आता है कि आपकी वहाँ ज़रूरत है, तो आप सब एक अपने घर का काम समझ के सब उधर पहुँच जाते हैं. साथ संगत जी, संत निरंकारी सेवा दल चाहे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, संत और निरंकारी तो दोनों में ही है. इस प्रकार हमने निरंकार का ध्यान रख के एक संत की तरह सबकी सेवा करनी है. इसी प्रकार मार्च के ही महीने में सदगुरु माता जी के मार्गदर्शन में एक और मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली व ग्रेटर दिल्ली के मुखी व संयोजक महात्मा उपस्थित हुए. इस मीटिंग में सदगुरु ने आए हुए भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया. सदगुरु माता जी के मार्गदर्शन में मिशन के प्रचार विभाग की ओर से महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए समय समय पर महिला समागम आयोजित होते रहते हैं.
इसी लड़ी में मार्च के महीने में भी अहमदाबाद, गोरखपुर, जयपुर, यमुनानगर और लुधियाना सहित देश के विभिन्न स्थानों पर महिला समागमों का आयोजन किया गया। इन समागमों में महिलाओं ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा अपने भाव गीत, कविता व व्याख्यान आदि के माध्यम से प्रस्तुत किए। इस अवसर पर महिलाओं को जहां राजमाता जी की शिक्षाओं से अवगत कराया गया, वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के साथ ही आध्यात्मिकता की प्रेरणा दी गई। बच्चों में नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण भरने के लिए बाल वर्कशॉप लगाई गई, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसके माध्यम से बच्चों को बौद्धिक विकास व आध्यात्मिकता की प्रेरणा दी गई। दोस्तों, मार्च महीने की खबरों में बस इतना ही। अब वक्त आगे बढ़ने का है। वक्त के साथ मिलकर आइए हम भी कदम बढ़ाएं और मानव एकता का संकल्प लेकर सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन चरणों के साथ साथ मानवता के मसीहा बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता जी और बाबा हरदेव सिंह जी के बनाए पदचिन्हों पर हम चलें। यही उन महान विभूतियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और चलते चलते हम आपको ये बताते चलें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल का महीना निरंकारी जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर वर्ष इसी महीने की 24 तारीख को मानव एकता दिवस समागम मनाया जाता है। देश ही नहीं, विदेशों में भी इस समय ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं। निरंकारी जगत की अन्य खबरों के साथ मानव एकता दिवस समागम की रिपोर्ट लेकर मई महीने के एपिसोड में हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन निरंकार।